दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि कागज़ पे सिर्फ राम और सीता लिखते हैं और अरुण गोविल जी दीपिका जी का स्केच बना देते हैं। जी हाँ, है ना अजीब। चलिए आज हम मिलाते हैं आपको भूपेंद्र जी से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। सरगम रिकॉर्ड के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं यूपी के अमरोहा के छोटे से गांव बहादुरपुर खुर्द से हूं और मैं आभारी हूं अजीत शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने का मौका दिया। ये ड्राइंग का मुझे बचपन से ही शौक था, इसको मैंने कहीं पर भी सीखा नहीं था। ये कोड गिफ्ट था मुझे ऊपर वाले की तरफ से, छोटा सा एक। और बचपन से ही रामायण देखने का भी मुझे बहुत शौक था। और एक दिन मैं रामायण देख रहा था तो मैंने देखा कि पत्थर पर श्री राम लिखने से पत्थर पानी में तैर गए। तो मैंने सोचा कि राम लिख करके मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने कलम उठाई और पेपर पर लिख दिया राम। और वहाँ पर मैंने 2 से 3 बार प्रैक्टिस की और जो अरुण गोविल जी थे, जो रामायण में राम बने थे, उनका रियल फेस बना दिया। फिर मैंने एक दिन सीता लिखा और सीता शब्द से ही सीता माता का स्केच बना दिया और नाम से ही बहुत से स्केच मैंने बनाए। तो ये श्री राम जी की कृपा थी मेरे ऊपर। तो इसीलिए किसी ने कहा है कि कर्म करो सच्चे मन से, ना चिंता परिणाम की हो, मन में संकल्प दृढ़ हो और सर पर कृपा श्री राम की हो। चलिए अब आपको दिखाते हैं इनकी अद्भुत कला। देखा है ना कमाल का हुनर। इस वीडियो को भेजने के लिए भूपेंद्र जी का तहे दिल से सरगम रिकॉर्ड्स की तरफ से शुक्रिया। अगर आप में भी कोई हुनर है तो आप जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय श्री राम।